नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग 23 मार्च का करंट अफेयर्स उसको एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाए जाने का जो है संकल्प 1992 में जो है रियो डी जेनेरियो का जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इस दिवस को मनाए जाने का फैसला लिया गया था। जिसके बाद से 1993 में पहली बार जो है विश्व जल दिवस मनाया गया था। 1993 से जो है विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 6 जो है उसके तहत सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता को हासिल करना है। इस वर्ष जो विश्व जल दिवस की थीम थी वह थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस वर्ष की जो है थीम थी। नेक्स्ट, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। इसमें विनीता गर्ग, रंजीत सिंह दिसाले और सुजीत पाय ने तीनों को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। यह यूनेस्को की भागीदारी में जो है आयोजित होने वाली $10 लाख जो है के वर्के फाउंडेशन ग्लोबल टीचर प्राइजेस 2020 के लिए जो है भारत के 3 शिक्षकों को चयनित किया गया है। उसमें से राजस्थान के जो है सुजीत पाय ने और सोलापुर महाराष्ट्र के जो हैं रंजीत सिंह दिसाले और नई दिल्ली की विनीता गर्ग, 3 लोगों को शामिल किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए जो है 140 देशों से करीब 12,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे और इसमें जो है इस सूची में 50 लोगों को जो है शामिल किया गया है अंतिम रूप में, और इन्हीं में से जो है 10 को लास्ट में शामिल किया गया जाएगा जिसे पुरस्कार या पुरस्कार दिया जाएगा। इन 10 लोगों का जो नाम का चयन जून में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कानूनी मामलों के विशेषज्ञ किस भारतवंशी को नागरिकता स्वायत्तता बोर्ड नामक देश की अहम निकाय के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य बमजई, यानी ऑप्शन बी। आदित्य बमजई को जो है वहाँ की अमेरिका की नागरिकता स्वायत्तता बोर्ड के जो है निकाय में शामिल किया गया है। सीमा वर्मा तो अभी हाल में जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई थी उनमें एक सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया था। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में मदद करने वाले डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में जनता कर्फ्यू कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को जो है जनता कर्फ्यू लागू हुआ था। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च, यानी ऑप्शन बी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और 23 मार्च 1950 को जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में जो है यह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इसका मुख्य विषय है वह है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ याद रखना है कि वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का भी मुख्य विषय है, और वाटर एंड क्लाइमेट चेंज जो है विश्व जल दिवस का भी मुख्य विषय है। और बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन के हेडक्वार्टर की, तो है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री ने COVID-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कार्य करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रियंका चोपड़ा, यानी ऑप्शन डी। प्रियंका चोपड़ा ने जो है WHO के साथ मिलकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो है जागरूकता फैलाने के लिए कार्य करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हाल ही में केनी रोजर्स का निधन हो गया, वे थे? तो इसका सही उत्तर होगा गायक, यानी ऑप्शन सी। जो केनी रोजर्स थे अमेरिकी गायक थे, इन्होंने जो है 3 बार इनको ग्रैमी पुरस्कार इन्होंने जीता था, हाल ही में जो है इनका निधन हो गया। याद रखना है केनी रोजर्स अमेरिकी सिंगर थे, देश भी पूछा जा सकता है, और गायक थे, और 3 बार इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में पदोन्नत के लिए मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है?
तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य सरकार ने नौकरियों में जो पदोन्नति मिलती थी, पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता था उसको समाप्त कर दिया। वैसे भी क्या नाम है, पहले तो इन्होंने आरक्षण जो नौकरी में पदोन्नति ही बंद कर दिया था, लेकिन अब नौकरी को जो है पदोन्नति जो है फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उसमें जो है आरक्षण नहीं मिलेगा पदोन्नति में। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो गठन है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर जो है 2000 को इसका गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह राज्य जो बना था, और इसमें लोकसभा की जो है 5 सीट है, राज्यसभा की जो है 3 सीट, और विधानसभा की 71 सीटें हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रीड हेस्टिंग, यानी ऑप्शन ए। रीड हेस्टिंग जो है नेटफ्लिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और इन्होंने हाल ही में जो है $100 मिलियन का जो है एक फंड तैयार करने की घोषणा की है। यह फंड जो है फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन पर काम करने वाले उन लोगों की मदद के लिए किया गया है जो कि को वैश्विक कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिडबी, यानी ऑप्शन सी। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक मिशन है स्वावलंबन, उसी के तहत जो नए उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए 5 जून 2020 से जो है इस ट्रेन स्वावलंबन एक्सप्रेस को शुरू करने का जो है इस बैंक ने निर्णय लिया है। यह एक इंटरकनेक्टेड लघु उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा, जिसमें व्यावसायिक, आकांक्षी, संरक्षक, विशेषज्ञ और अनुभवी सभी शामिल होंगे। बात करें सिडबी का, सिडबी का हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इसके अध्यक्ष और MD है मोहम्मद मुस्तफा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।